वेलकम बैक। रात के बज रहे हैं अराउंड 3:15 और मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपना काम करने के लिए। और बहुत दिनों से, मतलब कि बहुत दिनों से मैं यही मौका ढूंढ रही थी कि कभी मुझे टाइम मिले और कभी मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। फाइनली वो दिन आ गया है और उसकी वजह से मैं बैठी हूँ अराउंड 3:10, दोपहर के नहीं, रात के 3:10, मतलब कि सुबह होने वाली है अभी कुछ ही देर में। एंड दिस इज़ द ओनली टाइम आई गॉट टू होल्ड माई कैमरा इन माई हैंड एंड यू वॉन्ट बिलीव हाउ मच एक्साइटेड आई एम। और यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर हो रहा है वो सारी चीज़ें जो कि मुझे करनी थी बहुत दिनों से, ताकि मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मतलब कि कैमरा में इतनी ज़्यादा, मतलब जो कार्ड है उसमें पूरा फुल था, हार्ड ड्राइव फुल था, जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क है उसमें बहुत सारा डेटा था। ये सारे डेटा क्लीन अप करना था, बैकअप लेना था, बैटरी को चार्ज करना था, मेमोरी कार्ड एम्प्टी करना था, मतलब कि बोलो पूछो मत, इतने सारे काम थे और इतने सारे पेंडिंग काम बहुत ज़्यादा थे। इसी वजह से मैं अपना जो ब्लॉगिंग है नहीं स्टार्ट कर पा रही थी, क्योंकि ये सारे काम पहले करने थे और ये सब काम करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और यू वॉन्ट बिलीव हाउ मच एक्साइटेड आई एम। और किस लिए ये सारी चीज़ें डिले हो रही थी उसका रीज़न बताती हूँ, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह जब आपसे मिलूँगी। तो मैं मिलती हूँ कल सुबह आपसे, पहले मुझे ये सारे काम जो है कंप्लीट करने हैं और फिर आप लोगों से बहुत बातें करनी है। गाइस, तो रीजन है ये, यस माय डॉटर हैना। तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी कोई भी व्लॉग, बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट। एंड प्रेग्नेंट होने के बाद इतने दिनों से फिर इतना ज़्यादा बिजी व्लॉग तो कर पा रही थी, लेकिन उसकी एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। अभी भी कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन यू नो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट व्लॉगिंग वेरी बैडली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ ही मैं स्टार्ट करूँ अपना व्लॉगिंग। और बाय द वे, मैं अभी हूँ किचन में और मॉर्निंग है यार, मेरे बाल देख सकते हैं, यही हालत होती है सुबह सुबह उठने के बाद। आँख भी मेरी सूजी हुई है, बिकॉज रात भर तो मैं जगी हुई होती हूँ। एंड यहाँ पर हो रही है चाय रेडी और मैंने बनाया है सैंडविच। तो मैं हूँ किचन में और हैना जो है वो है स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट और एक रूम है हमारा, मतलब कि मैं यहाँ से देख सकती हूँ। वो हमारा बेडरूम नहीं है, बट इट्स लाइक कॉमन एरिया में नहीं बोल सकते, मतलब कि स्टडी रूम आप बोल सकते हैं, क्लोजेट एरिया, हर चीज़ जो भी चीज़ें हमें करनी होती है उस रूम में हम लोग करते हैं। तो बेसिकली मसाज अगर उसको देना है, कुछ भी करना है, तो मैं उस रूम में करती हूँ। इट्स लाइक अ मास्टर बेडरूम, लेकिन यहाँ से इस किचन से मैं उस बेडरूम को देख सकती हूँ जहाँ पे हैना को मैं हमेशा ऐसे सुला के रखती हूँ व्हेन शी इज़ अवेक एंड शी इज़ नॉट क्राइंग एट दैट टाइम। सो आई शो यू फ्रॉम हियर, You can see she is over there. She's sleeping over there and she's looking at me from there. Hannah! Hannah! Let's go there. There she is. There she is. Hannah! Achoo! Achoo!
And who is here? Look who is here. Look who is here. Who is here? Who is here? तो हम लोग करते हैं हमारी चाय पीते हैं दे लेट्स हैव ब्रेड एंजॉय करते हैं चाय को और व्हाट इज इनसाइड हियर सी मम्मा 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 व्हाट इज इनसाइड हियर चीज आई डोंट वांट चीज आई सेड व्हाई आई डोंट लाइक चीज आई लाइक न्यूटेला कौन है तुम हो मैं हूँ तुम हो तुम हो You want to eat? You're hungry? The thing is ना सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिलता है मतलब कि इसको इवन इसको रेडी करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो बेसिकली अगर इसने पुपू किया है या कुछ ऐसे कुछ किया है तो मैं इसको क्लीन करती हूँ लेकिन क्या बोलते हैं पैम्पर सॉरी डायपर भी चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ सुबह जब पहले उठती हूँ ना पहले इसको दूध होना चाहिए होता है तो उसको दूध देती हूँ और उसके बाद अपना काम करने लगती हूँ अगर दूध नहीं मिलेगा तो शी विल क्राई दैट्स व्हाई तो अभी ब्रेकफास्ट मतलब बनाने के बाद नॉर्मली रूटीन अलग रहता है लेकिन आज का रूटीन थोड़ा सा अलग है क्योंकि हेतम घर पे है तो इसीलिए अगर हेतम घर पे नहीं है तो रूटीन बहुत ही डिफरेंट होता है मतलब हर एक दिन मैं बोल नहीं सकती कि यही स्पेसिफिक रूटीन होता है हर एक दिन मेरा डिफरेंट होता है लेकिन जो चीज़ें करने की होती है वो करनी ही होती है लेकिन कभी कभी एडअप होती है कभी कभी नहीं एडअप होती है कोई और चीज़ें होती है कल मैंने रखा था यहाँ पर कॉपी होने के लिए अपना जो डेटा है लेकिन पता नहीं हुआ है या नहीं बिकॉज़ मॉर्निंग से जब से उठी हूँ टाइम ही नहीं मिला है लैपटॉप के पास आने का अभी थोड़ा सा बैठूँगी और करूँगी अपना काम कंप्लीट और देखूँगी अगर अपना जो मैंने जो बैकअप लेने के लिए रखा था सारी चीज़ें हुई या नहीं अगर नहीं हुई है तो मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा What happened? She don't like to sit. She just want me to stand or walk. She's very sleepy. से पहले कि ये सो जाए मुझे करना है इसको चेंज कपड़े What is Hetam doing? What a brother is doing? Auntie will come now, huh? Auntie will come.
with the oil and everything ready. तो as I said कि हमारा जो schedule होता है वो same नहीं होता है हमेशा, but जो चीज़ें होती है वो हमेशा same होती है. तो जैसे कि अभी इसको मैंने सिर्फ clean up किया है और मसाज का टाइम अभी नहीं है, तो अभी नहीं करूँगी. अभी इसको नींद आ रही है, तो आई एम गोइंग टू पुट हर टू स्लीप, गिव हर मिल्क, और ये सारा मैस जो है उसको भी निकालना है. तो ये सारी चीज़ें करनी हैं, और इससे पहले थोड़े से कपड़े भी हैं उसको भी डालना है वॉश करने के लिए. बिकॉज वन आंटी कम टू आवर हाउस, जो कि सारा जो भी चीज़ें हैं वो करती है, कपड़े सुखाना, जो भी चीज़ें, जो भी काम है घर का, वो सारी चीज़ें करती है. लेकिन वो सिर्फ एक घंटे के लिए आती है, तो मुझे काम मैनेज करना पड़ता है. तो कपड़े तो वो नहीं धो सकती, लेकिन सुखाने के लिए भी इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट. अगर उसके पास टाइम है तो ही सुखाएगी, नहीं तो नहीं सुखाएगी. बिकॉज यहाँ पर जो हाउसमेट्स आती है ना, वो एक घंटे के लिए आती है और अपने हिसाब से वो काम करती है. मतलब कि कोई हाउसमेट बहुत फास्ट काम करते हैं, कोई हाउसमेट बहुत स्लो काम करते हैं. मतलब कि यू कैन नॉट स्पेसिफिकली मेंशन कि इतना ही टाइम लगे यही काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है यहाँ पर. तो मेरा घर का जो भी झाड़ू कचरा वगैरह जो भी है, मॉपिंग वगैरह, वो करती है, और उसके बाद अगर उसको काम टाइम मिलता है तो बाकी का काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. अदरवाइज़ इट इज़ ऑल ऑन माई हेड. पहले मेरे पास दो मेड्स थे, जो कि एक सुबह की थी और एक शाम की थी, मतलब एक दोपहर की थी. बट इट वॉज़ लाइक आई फेल्ट कि हम लोग टाइम पैसा वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों पर. बिकॉज दोनों वही काम करेंगे तो फ़ायदा क्या है. तो उसकी वजह से मैंने एक को निकाल दिया और एक ही काम कर रही है. और मुझे सिर्फ ज़रूरत जो चाहिए, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, वो है स्वीपिंग मॉपिंग के लिए. लेकिन ये दोपहर के टाइम पर आती है, तो मॉर्निंग का टाइम जो होता है वो मुझे मैनेज करना होता है. मतलब कि डीप तो नहीं बोल सकती, लेकिन जितना भी अगर मुझे लगा है कि कचरा है या फिर गंदा हुआ है, तो मैं सारी चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो. नहीं तो आई वेट फॉर हर, बट टिल नॉट आफ्टरनून. आफ्टरनून तक तो मैनेज करके रखती हूँ. बट पहले क्या होता था कि हेतम स्कूल जाता था, तो सुबह सुबह 5 बजे उठना होता था. 5 बजे उठने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको, और शी ऑल्सो गेट्स अप एट हर ओन टाइम. तो उस हिसाब से चीज़ें होती है घर में. चलिए, आज का जो व्लॉग था वो स्नीक पिक ही था, मतलब कि ज़्यादा कुछ इन डेप्थ नहीं था. लेकिन मैं अभी से व्लॉग करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, और आपको मेरे व्लॉग्स डेली तो पता नहीं, ट्राई करूँगी, लेकिन मिलेंगे ज़रूर. और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले व्लॉग में. अभी तो मुझे इसको डालना है, मतलब मुझे सोने, आई मीन आई हैव टू पुट हर टू स्लीप. यू कैन सी शी इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड योनिंग एंड ऑल. तो उसको देना है दूध, उसके बाद मुझे बहुत सारे और काम है. तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और इस तरह के बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे, और बहुत इन्फॉर्मेशन वाले भी व्लॉग आएंगे. तो स्टे ट्यून, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वाले व्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर एंड